हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो में जो है खिलजी वंश। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो में देखा था गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के बारे में देखा था हमने, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है और वह गुलाम वंश का पहला शासक होता है। फिर हमने देखा था इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश के बाद हमने देखा था रजिया सुल्तान के बारे में, और रजिया सुल्तान के बाद देखा था हमने बलबन के बारे में। ठीक है, और गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमस, क्यूमस की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखेंगे हम खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जो गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमस की हत्या करके एक खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, 1290 में वह खिलजी वंश की स्थापना करता है और 1290 में शासक बनता है और 1296 तक शासक रहता है। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक होता है और वह खिलजी वंश का प्रथम शासक होता है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के स्थापना के समय इसकी उम्र कितनी थी? 70 वर्ष। तो खिलजी वंश के स्थापना के समय इसकी आयु थी कितनी? 70 वर्ष। तो ये 70 वर्ष की आयु में शासक बनता है और एक खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज शासक अगर कोई था तो वह जलालुद्दीन खिलजी होता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज शासक जलालुद्दीन खिलजी होता है और यह अपना राज्याभिषेक दिल्ली के समीप किलोखरी में कराता है और किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, तो किलोखरी में अपना राज्याभिषेक कराता है और किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, उसके बाद इसने सहिस्ता खा की उपाधि धारण की। ठीक है, इसने सहिस्ता खा की एक उपाधि धारण की और 1296 में इसकी मृत्यु हो जाती। तो जलालुद्दीन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संस्थापक कौन होता है खिलजी वंश का? तो जलालुद्दीन खिलजी होता है, पहला शासक होता है खिलजी वंश का और दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज शासक होता है और अपना राज्य से दिल्ली के समीप किलोखरी में कराता है और किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, उसके बाद सहिस्ता खा के एक उपाधि धारण करता है और बाद में 1296 में इसी के भतीजा एवं दामाद ने हत्या करके ठीक और गद्दी हासिल कर लेता है। ठीक, तो जलालुद्दीन की हत्या उसके दामाद एवं भतीजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जलालुद्दीन की हत्या कौन करता है? उसी का भतीजा एवं दामाद। कब? 1296 में, और इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद शासक बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी से देखते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में शासक बनता है और 1320 तक शासक रहता है। ठीक है, जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद होता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, और इसका वास्तविक नाम होता है अली गुरुसप्पा। ठीक है, अली गुरुसप्पा इसका वास्तविक नाम होता है और यह ऐसे स्थिति में शासक बना हुआ था क्योंकि अपनी चाचा की हत्या कर करके शासक बनता है, तो इसके खिलाफ बहुत सारे विद्रोह होने लगते हैं। इसकी अपने चाचा की हत्या करने के बाद सभी इसके विरोधी हो जाते हैं और विरोधी होने के बाद इसके खिलाफ विद्रोह करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी करता है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक जिसने 4 अध्यादेश जारी किए। ठीक, 4 अध्यादेश कौन कौन है ये नहीं पूछता एग्जाम में, सिर्फ ये पूछता है कि 4 अध्यादेश किस शासक ने जारी किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, देख लेते हैं 4 अध्यादेश क्या थे। 4 अध्यादेश में सबसे पहला अध्यादेश था कि दान पेंशन ठीक उपहार में दी गई भूमि को वापस ले लिया गया। ठीक, उसके बाद अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है और अमीरों एवं सरदारों के विवाह एवं दावतों पर प्रतिबंध लगा देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और शराब जुआ भांग आदि पर प्रतिबंध लगा देता है। तो 4 अध्यादेश थे ऐसे, कौन कौन से? उपहार, पेंशन और दान में दी गई भूमि को वापस ले लिया गया,
और अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना की और शराब जुआ भांग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया और अमीरों एवं सरदारों के विवाह एवं दावतों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो चार अध्यादेश थे, तो यहाँ से अब इसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं होंगे। ठीक, और इसी के समय सबसे ज्यादा आक्रमण होते हैं। ठीक, मंगोल के सर्वाधिक आक्रमण अगर किसी शासक के समय होते हैं तो वह अलाउद्दीन खिलजी के ही समय सबसे ज्यादा आक्रमण होते हैं, 6 बार। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने भूमि की पैमाइश करवा करके लागान वसूला। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने भूमि की पैमाइश करवा करके उस पर लागान वसूला, तो अलाउद्दीन खिलजी होता है। ठीक है, और लागान उसने 1/2 निर्धारित किया। ठीक है, लागान 1/2 निर्धारित किया और उसने 2 नए कर लगाए। ठीक, कौन से कर? चराई कर एवं घरी कर। चराई कर से तात्पर्य दोस्तों कि जो दुधारू पशु हुआ करते थे उस पर लगाया कर, और घरी कर से तात्पर्य है कि मकान भवन आदि जो निर्माण होते थे उसी पर लगाता था टैक्स। ठीक है, तो उसने 2 नए कर लगाए, चराई कर एवं घरी कर। फिर उसके बाद कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे मजबूत और एक सबसे विशाल सेना थी। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अस्थाई सेना का गठन करता है और उसे नगद वेतन देने का प्रारंभ करता है। ठीक है, तो अस्थाई सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया और उसे नगद वेतन देने का भी प्रारंभ किया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने स्थायी सेना का गठन किया और सेना को नगद वेतन देने का प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, स्थायी सेना का गठन किसने किया? उसके बाद इसने घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा चलाई। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, उसके बाद इसने मूल नियंत्रण प्रणाली लागू की। अब मूल नियंत्रण प्रणाली क्या होती थी दोस्तों? कि बाजार में जो वस्तुएं वगैरह जो दाम हुआ करते थे, तो उन दामों में क्या होता था कि ना तो वह बढ़ेंगे और ना ही वो कम होंगे। ठीक है, तो मूल नियंत्रण प्रणाली से क्या हुआ दोस्तों कि बाजार में जो वस्तुएं वगैरह होती थी उसके दाम ना तो बढ़ेंगे ना ही कम होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं, इसने मांस काटने की प्रथा चलाई। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने मांस काटने की प्रथा चलाई। जो बाजार में जो दुकानदार हुआ करता था वह माप तौल में बेईमानी करता था, तो उसका मांस काट करके उसी सामान में तौल दिया जा रहा करता था जो सामान कम तौलता था। ठीक है, तो मांस काटने की प्रथा चलाई। उसके बाद खुम्स, लूट का जो धन हुआ करता था उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/2 स्थान की जगह 3/4 कर दिया गया। ठीक है, तो जो लूट का धन हुआ करता था खुम्स का, तो सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 हिस्सा सुल्तान का होगा। ठीक है, तो हमने जो अलाउद्दीन खिलजी से मेन मेन पॉइंट थे वो हमने देखे। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार क्या था। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार दे देखते हैं। गुजरात, रणथंभौर, बंगाल, चित्तौड़ और दक्षिण भारत के आदि क्षेत्रों पर उसने अभियान किया और जीत दर्ज की। ठीक है, तो गुजरात, रणथंभौर और बंगाल, चित्तौड़ आदि दक्षिण भारत के आदि क्षेत्रों पर उसने अभियान चलाया और जीत दर्ज की। और गुजरात में उसे जब उसने पहला आक्रमण गुजरात पर करता है तो गुजरात में उसे एक मलिक का फूल मिलता है। ठीक है, उसे मलिक का फूल मिलता है और उस मलिक के फूल को उसने दक्षिण भारत के अभियान के लिए भेजता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के अभियान के लिए मलिक को फूल को भेजा उसने, तो मलिक के फूल ने 4 राज्यों को जीत लेता है। ठीक है, उसके बाद उसका एक सेनापति था, प्रिय एक सेनापति था जाफर खान, जो मंगोल आक्रमण में मारा जाता है और मंगोल के जो शासक होता है वह चंगेज खान होता है। हमने भी बताया था कि सर्वाधिक आक्रमण किसके समय हुए थे? सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक, उसी मंगोल आक्रमण में इसका एक सेनापति होता है जाफर खान, वो मंगोल आक्रमण में मारा जाता है। ठीक, उसके बाद यहीं के दरबार में आमिर खुसरो दरबारी कवि थे,
उन्हें तबला एवं सितारा का श्रेय जाता है। तो आविष्कार तबला एवं सितारा का किसने किया? तो आमिर खुसरो, ठीक, इनके दरबारी कवि थे, ठीक है। तो आमिर खुसरो को तबला एवं सितारा का श्रेय जाता है। उसके बाद पद्मावती, तो आपको पता होगा कि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती, जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ को जीत लेता है, जीतने के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के आगे बढ़ता है तो पद्मावती जौहर कर लेती हैं, ठीक है। अब जौहर से यहाँ से एक क्वेश्चन और बता दें आपको, रानी लाड़ी, रानी लाड़ी ये पहली महिला थी जिन्होंने जौहर किया था, ठीक है, भारत की पहली महिला जिन्होंने जौहर किया, तो वह रानी लाड़ी थी। किसकी पत्नी थी? तो राजा दाहिर की। और राजा दाहिर कौन थे? तो हमने आपको बताया था कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण होता है और सिंध के राजा दाहिर, और दाहिर की पत्नी कौन? रानी लाड़ी थी, ठीक है। तो पद्मावती, पद्मावती की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? ठीक, तो पद्मावती की जानकारी मिलती है, पद्मावत एक पुस्तक है जिसकी रचना की है किसने? मलिक मोहम्मद जैसी ने की है, ठीक है। तो पद्मावती की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो पद्मावत एक पुस्तक है जो 1540 में लिखी गई थी, उसकी रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जैसी ने की है, ठीक है। और उसके बाद 1316 में उसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। और शासक कौन बन जाता है? इसी का पुत्र मुबारक शाह, ठीक है। तो जितने पॉइंट बने दोस्तों हमने बताए, अब चलते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने बताया आपको कि जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक होता है और वह पहला शासक होता है, ठीक। और दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज शासक भी कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी होता है। फिर हमने देखा जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? तो दिल्ली के समीप किलोखरी को कराता है और किलोखरी को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि 1296 में इसी के भतीजा एवं दामाद कौन? अलाउद्दीन खिलजी, इसकी हत्या कर देता है और खुद शासक बन जाता है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी से हमने देखा, फिर जब अपने चाचा की हत्या करके 1296 में जब शासक बनता है तो हमने देखा कि जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद होता है और वास्तविक नाम होता है अली गुरसप्पा, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी करता है, ठीक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने 4 अध्यादेश जारी किए, ठीक है। फिर हम आए देखें, हमने देखा कि भूमि की पैमाइश करवा करके उस पर लागान वसूला, कौन? अलाउद्दीन खिलजी, पहला शासक जिसने भूमि की पैमाइश करवा करके उस पर लागान वसूला और लागान 1/2 निर्धारित किया, ठीक। फिर हमने देखा 2 नए कर लगाए, एक चराई कर और एक घरी कर, ठीक है। घरी कर से तात्पर्य है मकान भवन वगैरह और चराई कर से तात्पर्य है जो दुधारू पशु हुआ करते थे, ठीक। फिर हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी स्थायी सेना का गठन करता है और नगद वेतन देने का प्रारंभ करता है, ठीक है। तो स्थायी सेना का गठन किया और सेना को नगद वेतन देने का प्रारंभ किया, ठीक। फिर हमने देखा घोड़ा दागने और सैनिकों की हुड़िया लिखने की प्रथा चलाई, तो किसने चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। फिर हमने देखा कि मूल नियंत्रण प्रणाली लागू की, मूल नियंत्रण प्रणाली हमने बताया था आपको कि बाजार में जो वस्तुएं होती थी ना तो उसके दाम बढ़ेंगे और ना ही घटेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि मांस काटने की प्रथा चलाई, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। मांस काटने की प्रथा क्यों चलाई? हमने बताया कि जो बाजार में दुकानदार हुआ करते थे वह कम तौलते थे, ठीक है, जो कम तौलते थे तो उसी का मांस काट करके उसी वस्तु के साथ तौल दिया जाया करता था, ठीक है। फिर हमने देखा खुम्स, जो लूट का धन हुआ करता था, सुल्तान का हिस्सा 1/2 के स्थान पर अब 3/4 कर दिया गया, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि गुजरात, गुजरात में उसे मलिक का फूल मिला हुआ था और उसने मलिक के फूल को दक्षिण भारत के अभियान के लिए भेजा और दक्षिण भारत के 4 राज्यों को जीत लिया, ठीक। फिर हमने बताया आपको साम्राज्य विस्तार में कि उसने
गुजरात, रणथंबोर, बंगाल, चित्तौड़ और दक्षिण भारत के आदि क्षेत्रों पर अभियान किया और जीत दर्ज की। ठीक, फिर हमने आपको बताया कि इसी का एक सेनापति होता है जाफर खान, जो मंगोल आक्रमण में मारा जाता है। मंगोलों का जो शासक होता है वह चंगेज खान होता है। ठीक, और इसी के समय सबसे सर्वाधिक आक्रमण होते हैं किसके, मंगोल के। कितनी बार, 6 बार। ठीक है, 6 बार आक्रमण हुए मंगोल के। ठीक, फिर हमने आपको बताया इन्हीं के दरबार में एक आमिर खुसरो दरबारी कवि थे जो तबला एवं सितारे का श्रेय जाता है। ठीक, तो ये भी पूछा जाता है कि आमिर खुसरो किसके दरबार में कवि थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ठीक है, तबला सितारा का श्रेय जाता है उन्हें। ठीक, फिर हमने बताया पद्मावती के बारे में, तो पद्मावती के बारे में बताया था। तो पद्मावती की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जानकारी मिलती है हमें पद्मावती पुस्तक है जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी 1540 में। ठीक है, और फिर हमने आपको बताया कि पहली महिला जिसने जौहर किया तो वह कौन थी, रानी लाड़ी थी। ठीक है, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते दोस्तों हमने आपको बताए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।